तो एक बार फिर से देश में भारी बारिश का माहौल शुरू हो चुका और इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों का संपूर्ण भारत देश का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया कि अगले 3-4 दिनों में किन किन राज्यों में भारी बारिश होती रहेगी, किस किस तारीख तक। तो आइए जानते दोस्तों 4-5 सितंबर तक का इंडिया का मौसम पूर्वानुमान। तो देखिए यूपी हरियाणा सहित कई राज्यों में आज से झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और इसी बीच कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। देश भर में सितंबर में सामान्य से भी ज्यादा बारिश होगी, मतलब अगस्त महीने के बजाय भी सितंबर में अभी बारिश का मिजाज जो है मौसम का मिजाज इस महीने में ज्यादा रहेगा, है ना। यहाँ तक कि मौसम में तो ट्विस्ट ये भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि कई राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश के बाद अब ठंड महसूस होने लगी है और सितंबर में इस तारीख से तो मतलब ठंड भी पड़ना चालू हो जाएगी। जी हाँ, सर्दी का मौसम अब शुरू होने जा रहा है। देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि 23 सितंबर से मौसम में बदलाव महसूस होने लगेगा और गुलाबी ठंडक जो है वो दस्तक देने लगेगी, यानी कि हल्की हल्की सी ठंड महसूस होने लगेगी और उस हल्की हल्की सी ठंड में सोने का तो मजा क्या ही आपको पता ही है। खैर हम बात करें मौसम समाचार की तो देखिए आप, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पहले मैं आपको राजधानी दिल्ली एनसीआर के हालात बता देता हूं। देखिए पिछले 6 घंटों से दिल्ली में लगातार भारी बारिश के चलते कोहराम मचा हुआ है। स्कूल ऑफिस जाते वक्त लोग बाग को परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि रास्ते जाम हो गए, जगह जगह जलभराव हो गया, यहां तक कि कई इलाकों में तो अंधेरा सा छा गया। दिल्ली में इतनी तेज बारिश चल रही है अभी। देखिए दिल्ली में बारिश ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी सितंबर में। आज मतलब सितंबर का महीना जैसे ही शुरू हुआ दिल्ली में भारी बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुंबई में भी कई जगहों पर सड़कें डूब गई। अन्य राज्यों का हालात भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। देख सकते हैं कि दिल्ली मुंबई में तो आफत की बारिश चल ही रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बिहार और असम राज्यों में बाढ़ का कहर वापस मंडरा रहा है क्योंकि दोस्तों यूपी बिहार असम महाराष्ट्र इन राज्यों के अंदर कई सारी नदियां जो है ना खतरे के निशान से वापस ऊपर जाने के करीब है, तो वापस लोग बागों को बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा। उत्तराखंड में भी हालात देखिए, बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ी है। बद्रीनाथ की चोटियों पर मौसम का पहला हिमपात भी देखने को मिला और राजधानी दिल्ली में तो कल भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल में 6 सितंबर तक बारिश की चेतावनी है। हिमाचल में तो पिछले महीने अगस्त में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई थी और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 6 तारीख तक जो है ना बारिश जारी रहेगी। अच्छा इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट और हाई चेतावनी जारी की गई है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 2 सितंबर 3 सितंबर 4 सितंबर और 5 सितंबर तक के बीच में महाराष्ट्र उत्तरी कोंकण गोवा गुजरात दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम के कुछ हिस्सों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं इधर पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तमिलनाडु आंतरिक कर्नाटक केरल दक्षिण कोंकण गोवा राजधानी दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश जो है कई जगहों पर तेज बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान लक्षद्वीप वगैरह में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू टेक केयर गुड बाय जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।